नमस्कार, क्या आप जानते हैं, मैं आपका स्वागत है, मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम भारतीय अपनी सभ्यता और संस्कृति के नगाड़े पीटने में कभी पीछे नहीं रहते। देखा जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन एक समाज को अपनी पीठ थपथपाने का हक तभी है जब वो इंसानियत से जुड़े पैमानों पर मिसाल कायम करे, उससे जुड़े लोग दूसरों के दर्द को समझें, किसी मजबूर की मदद करने में उनके कदम कभी कभी डगमगाए नहीं। और यकीन मानिए कि अगर किसी समाज में ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो वो एक हारा हुआ और पस्त समाज है। और ऐसे नकली लोगों को अपनी तारीफों के कसीदे पढ़ने का कोई हक नहीं है। हम फलसफाई बातें नहीं कर रहे, उज्जैन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली। वो बच्ची कई किलोमीटर भटकती रही, लेकिन मदद करना तो दूर, उसकी देह ढकने के लिए भी आगे नहीं आए लोग। भला हो आश्रम के उस साधु का जिसकी मदद के बिना शायद उस मासूम बच्ची का बचना भी मुश्किल हो जाता। उज्जैन की उस मासूम के साथ जो कुछ भी घटा है वो हमारी इंसानियत पर 100-100 सवाल खड़े करता है। सवाल है कि क्या हम एक स्वार्थी या नकली समाज का हिस्सा है? एक लहूलुहान बच्ची दर दर भटकती रही, क्या उसकी मदद ना करने वालों का दोष नहीं है? वो सारे लोग जिन्होंने मासूम की देह को ढकने की कोशिश भी नहीं की, क्या उनका गुनाह कम है? अब बात करते हैं पॉक्सो एक्ट में दिए गए प्रावधान की। पॉक्सो एक्ट धारा 21 साफ कहती है कि जो इस तरह के अपराध के होने की रिपोर्ट दर्ज कराने में विफल रहता है, जो देखता है कि कोई घटना हुई है और पॉक्सो किसी बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और उसको रिपोर्ट नहीं करता है, पुलिस को नहीं बताता है, तो उसे 6 महीने से 1 साल का कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो उस बच्ची की देह ना ढकने वालों पर भी कार्रवाई हो सकती है, कानून में इसका प्रावधान है। पैप एक बहुत दिलचस्प आंकड़े या फैक्ट्स आपको बताते हैं कि भारत में नाबालिग के साथ बलात्कार की अधिकतम सजा उम्र कैद है। और अगर उज्जैन जैसी घटना विश्व के कुछ दूसरे देशों में होती तो वहां पर क्या सजा होती? जरा इन दिलचस्प फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले, अगर चीन में किसी पॉक्सो एक्ट के यानी किसी नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण होता तो उसकी सजा है मौत या बधियाकरण। चीन के अलावा अगर यही नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न होता पाकिस्तान में तो मौत की सजा है और जिंदगी भर बिना पैरोल आजीवन कारावास है, यानी वहां पर पैरोल पर भी बाहर नहीं आता। सऊदी अरब, आप जानते हैं, सऊदी अरब में अगर किसी नाबालिग के साथ बलात्कार होता है, इस तरीके का घृणित अपराध होता है, तो वहां सरेआम सिर कलम किया जाता है, गर्दन काट दी जाती है। अफगानिस्तान, जहां तालिबान का राज है, अफगानिस्तान में सिर में गोली मार दी जाती है या फिर फांसी देकर के हत्या कर दी जाती है, उनको मौत की सजा दी जाती है। इजिप्ट, मिस्र, वहां पर भी नाबालिग के साथ बलात्कार करने की अधिकतम सजा फांसी की सजा है। ईरान में, पर्शियन कंट्री, वहां पर भी नाबालिग के साथ बलात्कार करने में फांसी की सजा है। ब्राजील, 15 साल की जेल की सजा है अगर नाबालिग के साथ बलात्कार होता है तो। कनाडा में 20 साल की सजा, फ्रांस में 30 साल की सजा है, अमेरिका में न्यूनतम यानी मिनिमम 30 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा है अगर नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न होता है। तो कुछ कंट्रीज में आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा स्ट्रिंजेंट यानी कितनी कठोर सजा दी जा गई है जहां पर अगर बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है तो। उज्जैन में 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया है। एक दूसरे ऑटो ड्राइवर पर भी मामला दर्ज हुआ है। जो आरोपी शख्स है वो भी ऑटो ड्राइवर है जिसने बच्ची की जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। लेकिन सवाल है कि क्या जिन लोगों के दरवाजे पर बच्ची मदद मांगने पहुंची उन पर भी मामला दर्ज होगा? क्या उन पर भी ऐसी कार्रवाई होगी जो बाकी लोगों के लिए सबक साबित हो? सीसीटीवी हमने देखा है, ये सीसीटीवी में आप जितनी बार देखते हैं उतनी बार खुद शर्मिंदा होते हैं। सुबह
लगभग 6 बजे उज्जैन की इस कॉलोनी में डरी सहमी 15 साल की बच्ची लड़खड़ाते हुए चल रही, आधे शरीर पर कपड़ा नहीं है, मदद मांग रही है। दरवाजे पर खड़ा शख्स कोई मदद नहीं करता है। पता चला है कि बलात्कार के 2 घंटे बाद वो 500 से ज्यादा घर, ढाबे और एक टोल नाके से होकर गुजरी। घर से वो स्कूल की स्कॉलरशिप की परीक्षा देने निकली थी। यूपी की सीमा से सटे जिले में क्षिप्रा एक्सप्रेस में बैठकर बच्ची ने लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय कर लिया और देर रात उज्जैन में ट्रेन से उतरने के बाद 3 ऑटो में वो बैठी थी। आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। रेलवे स्टेशन के बाहर पूछताछ में पता चला कि आरोपी ही बच्ची को लेकर के ऑटो में गया। पहले उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी मोबाइल लोकेशन जीवन खेड़ी के आसपास मिली। उसके ऑटो पर अर्जुन लिखा था। एसआईटी ने जब सख्ती के साथ पूछा तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपी की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये उसका ऑटो है। हमारे सहयोगी ललित जैन उज्जैन में है, लगातार इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो लोग कौन हैं जिनके अंदर की इंसानियत मर गई, जमीर खत्म हो गया और पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करने जा रही है, सुनिए। 25 तारीख को उज्जैन में बालिका से हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी के हाथ पैर टूट गए, उसे पुलिस ने पकड़ लिया, जेल भेज दिया। कई लोगों ने उसकी मदद के लिए आगे हाथ भी बढ़ा दिए, लेकिन लोगों के मन में अभी भी जिज्ञासा है कि घटना की शुरुआत कैसे हुई। तो हम आपको बता दें कि यह है उज्जैन का रेलवे स्टेशन जहां पर हम खड़े हुए हैं। इसी स्टेशन पर बालिका सपना से आई थी और सुबह ट्रेन से उतरी थी। रेलवे स्टेशन के बाद समीप ये देवासगढ़ बस स्टैंड है जहां पर बालिका आई थी और यहां पर वो एक ऑटो में बैठी थी और यहीं से वो ऑटो पर बैठकर आगे गई थी। हम आपको बताएंगे ये उसका दूसरा स्पॉट है और आगे बताएंगे कि वो किस तरीके से धीरे धीरे घटनास्थल की ओर बढ़ती गई। यह वही मार्ग है जहां से आरोपी भरत सोनी अपनी ऑटो में पीड़ित बालिका को लेकर जीवन खेड़ी की ओर मुड़ा था। अब हम जीवन खेड़ी की ओर जा रहे हैं जहां पर घटना हुई। तो यह है वह जीवन खेड़ी का रास्ता जहां पर आरोपी कुछ ही दूरी पर बालिका को लेकर गया था और सुनसान जगह देखकर, खेत देखकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। हादसे का शिकार होने के बाद, वहशी दरिंदे का शिकार होने के बाद पीड़ित बालिका यहां पर ही लवलवान और अर्धनग्न अवस्था में यहां पर आई और यहां ही से उसे दूसरी ऑटो जो कि राकेश मालवी की थी वो जाते मिली, जिसमें राकेश मालवी ने उसे बिठाया, उसी लवलवान और अर्धनग्न अवस्था में बिठाया और उसे कुछ ही दूरी पर स्थित हाटकेश्वर कॉलोनी तक ले गया, लेकिन वहां पर उसने गेट पर ही उसे किसी अवस्था में छोड़ दिया। यही है त्रिपुरी डिम्स कॉलोनी जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि बालिका रोड पर ऑटो से उतरने के बाद सीधे यहां पर आई और यहां से कॉलोनी के अंदर इंटर हुई, जहां से दर दर भटकने के बाद लोगों से मदद की गुहार लगाते हुए वो दांडी आश्रम तक पहुंची, जहां पर वो आचार्य राहुल शर्मा ने उसको देखा और अपना अंगोचा उसको पुनाया, कुछ खिलाया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, उसको अस्पताल ले गई, वहां पर मेडिकल जांच में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने करीब 125 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, स्मार्ट सिटी के फुटेज खंगाले और फिर 4 ऑटो को संदिग्ध मानते हुए 4 ऑटो को जब्त करके उनके चालकों को लिया। सबसे पहले राकेश मालवी जिसकी ऑटो में खून के मिले थे उसको पूछताछ की गई, सख्ती से पूछताछ की गई, जाँच की गई। जब लगा कि यह बेकसूर है, उसके बाद जब पुलिस ने बारीकी से जांच करी तो 4थे नंबर पर जो ऑटो उसको बिठा के ले गई थी वो भरत सोनी की निकली। भरत सोनी को जब पूछताछ करी तो शुरुआत में मना करता गया, जब लेकिन तकनीकी और टेक्निकली जो उसको फुटेज, उसके सीसीटीवी फुटेज बताए गए, उसके जो कॉल डिटेल निकाली जो घटना के समय की एक ही जगह क्या रही थी, तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। यहाँ तक ठीक था, उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार करा, लेकिन जब घटना स्थल पर ले गए, उससे बच्ची के कपड़े जब्त करवाने और जो जो घटना स्थल पर छूटा था वो जब्त करवाने, तो वहाँ पर उसने पुलिस पर हमला किया और फिर भागने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस वाले मजबूत थे, उन्होंने पीछा करा और उसे दबोच लिया। पुलिस उसे गंभीर हालत में ही जिला अस्पताल लेकर पहुँची, जहाँ पर इलाज के बाद उसको कोर्ट में पेश करा अगले दिन।
कोर्ट ने उसका जेल वारंट बना दिया। हालांकि उसका उपचार अभी भी जारी है। अब पुलिस इस मामले में जो कर रही है, जांच कहां पहुंचेगी, आरोपी को क्या सजा कब होगी, ये भविष्य की गर्त में है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। उज्जैन में जो मामला हुआ है उसका आरोपी पकड़ा गया है। आरोपी के पिता रोते हुए कह रहे हैं कि बेटे ने अपराध किया है तो उसे मौत की सजा दो। आपकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, कोई पछतावा है इस बात को? पछतावा क्या था, मैंने तो कल से सुन के हमारा दिमाग ही खराब हो गया भाऊ जी। क्या बताऊं मैं, क्या कर सकता मैं इसके विषय में। मैंने तो कोई बच्चे को सिखाया नहीं था सर के, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा बच्चा ऐसा होगा। बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ ये तो, कि बेकार काम हुआ ये तो बहुत। ये तो कोई भी हुआ इसको तो सजा मिलनी चाहिए। इसको तो क्या सजा मिली, इसको सिवा मौत के सिवा और क्या सजा दे सकते हैं आप? आपको लग रहा है मौत की सजा देनी चाहिए? अपराध किया तो जरूर होने चाहिए ना भाऊ जी।